अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, स्वागत है आपका देश व दुनिया की खबरों के लिए firstbite.tv में। देश व दुनिया में कोरोना का कहर जारी है, मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। स्पेन की राजकुमारी की मौत यह साबित कर रही है कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि कोरोना से हमें कुछ नहीं होगा, वे गलत हैं। देश में संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1000 को पार कर गया है तो मरने वालों की संख्या भी 26 तक पहुंच गई है। देश में लॉकडाउन का आज 5वां दिन है। लोग कोरोना को अब गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन बीते दिवस यूपी दिल्ली बॉर्डर आनंद विहार में जो भीड़ इकट्ठा हुई उसने देश भर को परेशानी में डालने का संकेत दे दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री भले ही ये अपील कर रहे हो कि कोई भी दिल्ली छोड़कर न जाए, लेकिन उनकी अपील बेअसर साबित हुई। सवाल उठने लाजमी है कि लॉकडाउन के बावजूद इतनी संख्या में लोग सड़कों पर कैसे आ गए, इसे सरकार की विफलता भी कहा जा रहा है। देश संकट में है, लेकिन इसे लेकर भी राजनीति हावी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने पर आप पार्टी के विधायक राघव चड्ढा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। राघव ने कहा था कि दिल्ली से जा रहे लोगों को योगी पिटवा रहे हैं, जबकि योगी सरकार ने बड़ी संख्या में बसें लगाकर लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की है। आज मेरठ रेंज के IG प्रवीण कुमार ने खुद गाजियाबाद के लालकुआ पहुंचकर मोर्चा संभाला और लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की। बताया जा रहा है कि अब वहां कुछ हजार लोग ही बचे हैं, बाकी को वहां से भेजा जा चुका है। बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा रात 8 बजे मध्यरात्रि 12 बजे से होने वाले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन व घोषणा की अवधि बेहद कम होने के कारण लोग जहां के तहां ही फंस गए। अब जबकि रोजगार काम धंधे चौपट हो गए हैं तो सभी अपने घरों की तरफ पैदल ही दौड़ पड़े हैं। मानवीय दृष्टि से यह एक बार की सही हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी लोगों को वुहान वायरस के संकट में फंसाने वाला भी साबित हो सकता है। यूरोप संपन्न होते हुए भी कोरोना की रोकथाम नहीं कर पा रहा है। समझा जा सकता है कि यूरोप की तुलना में संसाधनों का अभाव होते हुए भारत इससे कैसे निपटेगा, वह भी तब जब लोग स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने घरों से ना निकलें। दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा हुए लोग कहां कहां जाएंगे, इनमें से कुछ कोरोना के वाहक नहीं बनेंगे, यह कहना मुश्किल होगा। एकाएक लॉकडाउन से लोगों को परेशानी हुई, इस बात को स्वयं देश के मुखिया नरेंद्र मोदी ने भी माना है। उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त किया, साथ ही बताया कि ऐसा करना भी बेहद जरूरी था। इस बीच मेरठ में 5 लोगों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। पता लगाया जा रहा है कि ये 5ों किस किस के संपर्क में आए थे। इसके चलते मेरठ के 3 इलाकों को बीते दिवस ही सील कर दिया गया था। आज दोपहर शास्त्री नगर सेक्टर 13 स्थित RTO कार्यालय के नजदीक से कोरोना से संक्रमित संदिग्ध मरीज मिला है। देखते ही देखते वहां पुलिस व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर संदिग्ध रोगी को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया है। मेरठ व रेंज के हालातों पर आज ADG प्रशांत कुमार ने भी मीडिया से बात की। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं ADG प्रशांत कुमार। कल के बाद से अभी तक पूरे जोन में कोरोना के कोई नया केस पॉजिटिव नहीं मिला है। आवश्यक वस्तुओं का की सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है और जो होलसेल स्टॉक है उसका लगातार जिला प्रशासन उस पर नज़र रखे हुए है। राज्य स्तरीय जो सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग हो रही है उस पर वो वहाँ से भी जो निर्देश मिल रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के उपाय किए जा रहे हैं उसका आप स्वयं देख सकते हैं। और आम जनता के द्वारा लॉकडाउन में अभूतपूर्व सहयोग दिया जा रहा है। धीरे धीरे जो हमारी सब्जी की के मार्केट थे उसको डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है ताकि मोहल्ले वाइज उनको सभी तरह की सुविधाएं जो नागरिक हैं, चाहे वो दवा हो, सब्जी हो, दूध हो और अन्य ग्रोसरी आइटम हो, उनको पहुंचाया जा सके। इसके अतिरिक्त ये भी देखा जा रहा है कि मॉर्निंग के समय जो मुख्य मंडियां हैं वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाए। सर, दिल्ली NCR से जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके लिए किस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है? वो जो पलायन की स्थिति है उसके बारे में भी लगातार मॉनिटरिंग शीर्ष लेवल से चल रही है
और वहाँ हमारे वरिष्ठ अधिकारी लगातार बॉर्डर पर हैं और बसेस का इंतज़ाम करके उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करके गंतव्य स्थान पे, जैसा कि शासन के निर्देश हैं कि किसी भी उत्तर प्रदेश के नागरिक को कोई असुविधा न हो, उनको पहुंचाया जा रहा है। वर्तमान में स्थिति बॉर्डर पे सामान्य है, 3-4 हज़ार की भीड़ है और वहाँ सभी अधिकारी लगातार कार्य कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कैदियों को भी रिहा किया जा रहा है? ये शासन के निर्देश हैं कि जो जिस तरह की जो कैटेगरीज हैं और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके तहत परीक्षण करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज कई राजनीतिक लोग भी गरीब व बेसहारा लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। भाजपा की MLC डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल ने खुद लाल कुर्ती व बेगमपुर क्षेत्र में खाद्य सामग्री का वितरण किया। उनके साथ राजेश कुमार सिंह, RSS से जुड़े अनुराग, नरेंद्र, सौरभ, फागुन, अमित व कपिल भी थे। हाँ जी, बना दिया। ढंग से पकड़ो ना, गिर जाएगा उसे। वहीं हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश खटीक ने भी बड़े पैमाने पर राशन सामग्री का वितरण किया है। इस बारे में बता रहे हैं विधायक अतुल खटीक। श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूर्ण रूप से सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी प्रत्येक गांव, गरीब और वंचितों के लिए दी है। उसी के अनुरूप जो इस सूची से बाहर रह गए हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए मैंने 7,000 पैकेट ये तैयार कराए हैं। और इस 7,000 पैकेट में वो लोग उस सूची से बाहर रह गए हैं, वो चाहे मनरेगा की हो, चाहे वो मजदूरों की हो, या वो रेहड़ी वाले, ठेली वाले या ई रिक्शा वाले, ये लोग सूची से रह गए हैं जिन लोगों को तो बहुत दिक्कत थी। और उसी दिक्कत को देखते हुए, क्योंकि मेरी हस्तनापुर विधानसभा है और उस विधानसभा में मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति रात को भूखा ना सोए, कोई भूखा ना रहे, इस बात को देखते हुए मैंने 7,000 पैकेट तैयार कराए हैं, जिसका वेट लगभग 12 किलो है, जिसमें 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो नमक और 1 लाइबो की साबुन है। ये पूरा पैकेट तैयार कराया है और ये अपने SDM महोदय और BDO महोदय और सेक्रेटरी के माध्यम से ये उन लोगों के हैंड ओवर कर दिया जाएगा और कर भी दिया है कि ये जा कर के गांव-गांव, एक मेरे के गांव में सूचीबद्ध की है कि जो लोग सूची से बाहर रहे हैं सरकारी आंकड़ों से, उनको जा कर के उनकी कुंडी खटखटा करके प्रत्येक व्यक्ति के घर पर जाने का हमने संकल्प लिया है। और ये 7,000 परिवारों में जाना है, लगभग पूरी विधानसभा, हस्तिनापुर विधानसभा में। इस खबर में आज इतना ही। वुहान वायरस की रोकथाम के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहें। देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार।